Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello everyone. आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी के अंदर. बहुत सारे बच्चे सिविलियन पूछ रहे थे कि हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कब हमें ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे, कब हमें ज्वाइनिंग देनी है. ये काफ़ी सारे बच्चों के मुसलसल क्वेश्चन आ रहे थे, तो आज इस पर थोड़ी सी मैंने मुनासिब समझा मैं इस पर एक वीडियो बना के आप सबकी क्लैरिटी कर दूँ कि एक्चुअल इसका नेक्स्ट फेज किस तरह होता है, क्या इसका तरीकाकार है. उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक करें. इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी. सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान नेवी का जो भी जुलाई के बाद पोस्टें अनाउंस की जाती हैं हर साल, उनका जनवरी जैसे शुरू होता है, जैसे अभी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं जनवरी शुरू हो चुका है, 15 जनवरी ऑनवर्ड बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर लेटर मिलना शुरू हो जाते हैं. उन्होंने जाके ये PNPI में ज्वाइनिंग देनी होती है. PNPI नेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, ये तो अप्रेंटिस का सिनेरियो है. अब जो बाकी सिविलियन कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनका भी सेम सिनेरियो चलता है कि कुछ बच्चे जनवरी में रिपोर्ट होते हैं, कुछ फरवरी में होते हैं, कुछ मार्च में होते हैं. तो एग्रीगेट मार्च में जाके सब बच्चों की ज्वाइनिंग का फेज कंप्लीट हो चुका होता है. अब देखें कि आपके मोस्टली बच्चों के मेडिकल भी हो चुके हैं, फिजिकल भी हो चुके हैं, इंटरव्यू तक के सारे मरले हो चुके हैं. ये दिसंबर से पहले पहले ये लोग फाइनल कर लेते हैं. अभी जो लास्ट मेरे पास न्यूज़ थी कि कुछ बच्चों के लास्ट मैसेज आए थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारे अभी फाइनल इंटरव्यू चल रहे हैं जिसमें LDC UDC डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ये बच्चे थे. अब बेसिकली इनके भी ये अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो ये में भी एक आधे सिलेक्शन के चल रहे हैं, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फाइनल हो चुके हैं. तो ये विद इन 15 डेज, ये जो आने वाले 15 दिन हैं, मतलब कि ये जो नेक्स्ट वीक है उससे नेक्स्ट वीक जनवरी का 3rd और 4th वीक के अंदर इंशाल्लाह इनके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, ऑफर लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे. उसमें जो फर्दर फिर आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे आपके पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुए हैं. अभी देखें कि इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों को अभी मैसेज भी आए हैं, सिलेक्शन सेंटर्स पे कॉल भी आए हैं कि आपका फ़लां डॉक्यूमेंट्स मिस है, आपका मेडिकल फ़लां टेस्ट रिपीट होना है. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल ये मतलब एक कंप्लीशन की तरफ है. तो आई होप सो ये आपको कुछ ही टाइम में, अगर 5 दिन नहीं 10 दिन नहीं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको सिलेक्शन सेंटर से कॉल आएंगे फाइनल फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन के ऑफर लेटर्स आपको दे दिए जाएंगे. तो वो ऑफर लेटर लेने के बाद जो हायर फॉर्मेशन में है वो इस्लामाबाद जाके रिपोर्ट करेंगे, जो लोअर फॉर्मेशन में है वो कराची में आके ये PNCA में रिपोर्ट करेंगे. तो ये पूरा एक जो वीडियो बनाने का मकसद था, आपको थोड़ी सी एक अवेयरनेस देनी थी कि किस तरह इनका प्रोसेस होता है, कौन कौन से फेज़ अभी चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ताकि आपको एक वेयर अबाउट हो जाए कि एक्चुअल हमें कब तक एक्सपेक्टेड है. तो जो बच्चे मतलब स्पेशली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके प्रोसेस हैं वो डिसहार्ट हो चुके हैं कि यार इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो उनके लिए स्पेशली ये एडवाइस है कि थोड़ा सा वेट कर लें, मतलब ये जनवरी गुजरने दें. जनवरी के जैसे ही ख़त्म होगा उससे पहले पहले इंशाल्लाह आप सबके साइन सारे फाइनल प्रोसेस हो जाएंगे और लोगों को ऑफर लेटर्स और उस तरह की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो चुकी होंगी. आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी. इसी तरह जो यूनिफॉर्म पोस्टें चल रही हैं उनका भी जो फर्दर प्रोसेस होंगे वो भी मेरे ही इस चैनल पे अपडेट हो जाएंगे. एयरफोर्स की जॉब्स आ चुकी हैं, तो जो जिसमें एयरमैन, ये PFND, सिक्योरिटी, ये जितनी भी पोस्टें हैं वो भी इंशाल्लाह मेरे ही इस चैनल पे उनकी टेस्ट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा आता रहेगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें. नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़.